आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आज? देखो कुछ नया बना रही हूँ। मैंने कढ़ाई रख ली है, उसमें रिफाइंड डाल दिया है 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून। कम ही डालना रिफाइंड, ज़्यादा मत डालना, बहुत टेस्टी बनेगा। और जितना कम रिफाइंड डालोगे उतना हेल्थ के लिए भी सही रहता है। ये देखो मैंने डाला जीरा, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 टेबलस्पून, और 1 तेज़पत्ता। इसको ब्राउन कर लो अच्छे से। अब मैंने डाला 2 मीडियम साइज़ के प्याज, यही टेस्ट देगा आपकी ग्रेवी में। आज मैं बना रही हूँ रस्सा, आलू बैंगन का रस्सा बना रही हूँ, बड़ा टेस्टी और मज़ेदार। ये देख लो, इसको अच्छे से मैं इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन तो नहीं करूँगी, थोड़ा अच्छा कच्चापन चला जाए तो मैं इतने तक फ्राई करूँगी। इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, तभी ग्रेवी का कलर आता है और ग्रेवी में रिचनेस आती है। इसको अच्छे से भूने थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा भी गोल्डन नहीं। ये देखो इसको मैं भून रही हूँ अच्छे से। और हाँ गाइस, आप मेरी वीडियोस के लिए ट्रिक एंड टिप के लिए आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। अब चलो आगे बढ़ते हैं मेरी वीडियो में। ये देखो मैंने इतना ही ब्राउन किया है, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। ये देखो अब डाले हैं मैंने आलू। आलू मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काटे हैं, ऐसे काटने से मज़ा आता है आलू की ग्रेवी में और टेस्ट बड़ा अच्छा होता है और खाने में भी मज़ेदार होता है। मैंने ये बनाया रस्सा चावल के साथ, राइस के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, आप जिस मर्ज़ी के साथ खा सकते हो। बाजरे की रोटी हो तो और ही मज़ेदार, बाजरे की और मक्के की रोटी हो ना तो वो हार्ड होती है, ये ग्रेवी होती है। हम मक्के की रोटी पे या बाजरे की रोटी पे उसको डाल के मैश कर लो ना, चूरा बना लें उसका, तो बहुत मज़ेदार लगता है। देखो गाइस, यहाँ मैं बैंगन काट ली हूँ, लंबे वाले बैंगन काट के रखी हूँ और धो लिया उसको अच्छे से। मैंने डाला है हल्दी 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर और नमक। ये देखो स्वाद अनुसार नमक डालना अपने आप अपने हिसाब से। इसको मैरिनेट करके ज़रूर रखें, चाहे 5 मिनट रखें चाहे 2 मिनट रखें। मैंने हमेशा डायरेक्ट मसाला डाल देती हूँ ना, अब मैंने वैसा नहीं डाला है। देखो ये हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये देखो एक नींबू डाला है मैंने और इसी में मलूँगी, पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी, इसी में इसको अच्छे से मल लूँगी, बैंगन में इसका फ्लेवर आ जाए अच्छे से टेंडर बने, बढ़िया बने। ये देखो आलू बैंगन का रस्सा ऐसे बनता है। ये देखो अच्छे से मल लिया है मैंने आलू बैंगन। ये देखो इसको ऐसे मैरिनेट करके ज़रूर रखना, जब तक आलू थोड़ा हार्ड होता है ना, जल्दी से गलता नहीं है। ये मैंने इसको उसको बना के उसको गलने के लिए छोड़ा है, तो इसको मैरिनेट करने 5 मिनट रखें ज़रूर आप, 5 मिनट ज़रूर रखें आप मैरिनेट करके, क्योंकि उसमें मसाले अच्छे से अरोमा उसका आ जाए। और मैरिनेट आपको पता है, मैरिनेट करके रखने से बहुत अच्छा, चाहे चिकन हो चाहे सब्ज़ी हो कुछ भी अच्छा लगता है। ये मैंने डाले 2 कद्दूकस करे हुए टमाटर, इस टमाटर में मैं आलू को गलाऊंगी और ज़्यादा भी नहीं गलने चाहिए। ये देखो इस टमाटर में मैं आलू, बिल्कुल पानी नहीं डालना और कुछ मसाले नहीं डाली हूँ मैं यहाँ पे। देखो इस तरीके से मैं रस्सा बनाती हूँ। आपको पता होगा टमाटर का रस्सा भी ऐसे ही भून के मैंने बनाया था। अच्छे से इसको भून लो। ये देखो इसी में गलेगा, इसी में आलू गलेंगे। आलू बताएगा सबको पसंद होता है, सबको सबकी फेवरेट डिश होती है। ये देख लो अब इसका रस्सा, इसकी ग्रेवी बनेगी। ये ऐसे मैं करके देखूंगी, अभी गला नहीं है। अगर वो 1 में 2 बन जाए, आप दबाते हो तो 1 में 2 बन जाए, तो समझ लो आलू गल चुका है। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, टमाटर में ही भूनूंगी। ये देखो अब बैंगन डाल दिया है मैंने, बैंगन मसाले वाले बैंगन डाले हैं जो मैरिनेट करके रखा था। ये देख लो और इसका कलर, इसकी तरी इतनी बढ़िया बनती है और खाने में भी इतने मज़ेदार बनती है गाइस, बहुत टेस्टी बनती है। मछली का सालन भूल जाओगे आप, मछली और चिकन भूल जाओगे। ये इस रेसिपी आप बना के देखो, अपने घर में सर्व करके देखो। पुलाव के साथ तो बहुत मज़ेदार जाएगा गाइस, वेजिटेबल पुलाव या मटर पुलाव उस पर डाल के देखो। आलू मटर पुलाव बनाओगे ना उसके साथ, ये रस्सा बहुत अच्छे से जाएगा। ये देखो मैंने उसी को ये किया हुआ पानी डाला है, हमने मसाला वो फेंकना नहीं है।
अपने हिसाब से आप पानी डालें। मैंने मेरे घर में फैमिली में कितने लोग हैं मैं उसके हिसाब से रस्सा बनाती हूँ। आप नाप के डालें। ये देखो बन गए मेरे आलू बैंगन। लग रहे हैं ना गाइस बढ़िया मज़ेदार। ये देखो उबाला आ चुका है, इसको अच्छे से पकाना है मैंने। अब बैंगन गलाने हैं इसमें। ये देखो अच्छे से मैं बॉईल करूंगी इसको ताकि गल जाए वो। जब समझ लो ये ऊपर आ रहे हैं ना, जब ये नीचे हो जाए अंदर हो जाए समझ लो ये गल चुके हैं। किसी का व्रत होता है, रोज़ा होता है, चखना नहीं होता सब्जियां ना, तो जो भी ऊपर तैर रहा होता है, अब तड़का लगाया हमने ये से डाला, ऊपर तैर रहा होता है तो कच्चा होता है, अब ये नीचे बैठ जाएगा देखो धीरे धीरे अंदर बैठ रहा है, तो ये समझ लो ये गलने वाला है, गल रहा है तो गल जाएगा बिल्कुल ही। रस्सा और आलू और बैंगन एक हो जाए ना तो समझ लो हो चुका है। देखो मैं इसका अंदाज़ा से ऐसे ही रखती हूँ। हाँ गाइस थैंक यू, आप मेरी वीडियोज़ देखते हो, धन्यवाद।